हाई गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो ये जो कुर्ती वेयर करा है, इसका हॉल आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजोन कुर्ती हॉल, जो कि फेस्टिव वेयर है एंड अंडर 1000 रुपीज की है, बहुत ही अफोर्डेबल है। मेरे चैनल पे फेस्टिव सीरीज शुरू हो गई है, 2 पार्ट में बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जरूर चेक करें। और ये पार्ट 3 है, और पार्ट 3 में मैं आपको कुर्तीज दिखा रही हूँ बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में, एंड उसके साथ साथ कुर्तीज को मैं स्टाइल करके भी दिखा रही हूँ कि 700-600 की कुर्तीज को आप फेस्टिव में वेयर करके क्रिस्ट लुक दे सकते हैं। तो जितने भी विनर्स हैं, सबका नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे एक बार चेक कर ले और मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें। और जितने भी कुर्तीज मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, उसका लिंक आपको माय हॉल स्टोर में मिल जाएगा। सो लिंक के लिए क्लिक कीजिए माय हॉल स्टोर, और ज्वेलरीज के लिए क्लिक कीजिए माय ज्वेलरी कलेक्शन। तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर से कर देना, एंड कॉमेंट बताना कि कौन सी कुर्ती, कौन सी लुक अच्छी लगी आज के हॉल में। नाउ विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। My first item, this kurti with skirt, pink color की बहुत ही gorgeous, vibrant kurti with skirt है ये, बहुत ही खूबसूरत set है। Neckline पे इसकी foil prints बनी हुई है, उसके साथ आपको गोटा पट्टी डिटेलिंग भी मिल रही है, और पूरी foil prints है फ्रंट पे, कुर्ती के बैक पे, एंड उसके साथ आती है ये स्कर्ट जिसकी फ्लेयर बहुत स्टैंडर्ड है, कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत ही अच्छी लुक आ रही है स्कर्ट की। लाइक जितनी फ्लेयर है उस हिसाब से साइड स्लेट की कुर्ती बहुत ज़्यादा gorgeous लग रही है। पहनकर इसकी फिटिंग वगैरह भी बहुत सुंदर लगी। इस पे मेरा साइज मीडियम है, और बहुत ही गॉर्जियस कुर्ती सेट है, सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है, मटेरियल रेयन है कुर्ती और स्कर्ट दोनों की। स्कर्ट पे भी आपको गोटा पट्टी डिटेलिंग मिल रही है, नेकलाइन पे भी मिल रही है, तो बहुत ही सुंदर लग रही है लाइक पूरी कुर्ती सेट ये। और इस पे मैंने ये दुपट्टा भी वेयर करके आपको दिखाया है। लाइक आप ऐसी कुर्ती सेट तो वेयर कर ही सकते हैं, बट अगर उस पे एक दुपट्टा आप ऐड कर देते हैं तो उसकी लुक और कितनी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, और कितनी एक्सपेंसिव सूट लगने लगती है। सो ये दुपट्टा मैंने इंडिया ब्रांड से लिया है, लिंक आपको माई हॉल स्टोर में मिल जाएगी। बहुत ही खूबसूरत सीक्वेंस वर्क वाली ये दुपट्टा है, जो मैंने अप्रॉक्स 520 रुपीज में ली थी, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई भी है गाइज, वो भी बहुत अच्छी है। और ऐसे गोल्डन दुपट्टा आपको बहुत सारे कुर्ती सेट में चल जाती है, और अभी दिवाली दुर्गा पूजा में ये लुक आप क्रिएट कर सकते हैं, दिवाली में बहुत सुंदर लगने वाली है। सो 999 की कुर्ती आप देख सकते हैं कितनी एक्सपेंसिव लग रही है, और मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी। Got enough of every melody, they all sound the same, yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions just to show. माई नेक्स्ट आइटम इज दिस ब्लैक कलर की बहुत ही गॉर्जियस सी कुर्ती है, और इसका मटेरियल रेयन है, बट स्लीव्स का मटेरियल जॉर्जेट है, जिसमें फ्रिल बनी हुई है। वह सिर्फ कुर्ती के नेकलाइन पे वर्क है, वाइट कलर की मोती लगी हुई है, जो हैंडमेड वर्क है, जो बहुत ही गॉर्जियस लग रही है। और कुर्ती पे पूरी प्लीट्स बनी हुई है, फ्रॉक काइंड ऑफ स्टाइल है, छोटी छोटी सी प्लीट्स बनी हुई है, बट फ्लेयर बहुत ज़्यादा नहीं है, कम भी नहीं, बहुत स्टैंडर्ड फ्लेयर है। आप इसे एज अ ड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं, वेयर कर सकते हैं। मैंने इस पर पैंट डाला हुआ है जो मिंत्रा से है, मैंने 520 रुपीज में ली थी, और ये अगर पैंट आप डालते हो तो एक कुर्ती सेट बन जाती है, और आप इसे किसी पार्टी में वेयर कर सकते हैं, बट विदाउट पैंट ये एज अ ड्रेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक किसी गेट टुगेदर बर्थडे पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप वेयर कर सकते हैं इसे। और मेरा साइज इस पे मीडियम है कुर्ती पे, जो बहुत कंफर्टेबल है, फिटिंग भी बहुत अच्छी आ रही है। और इसे अगर आपको फेस्टिव में वेयर करना है तो आप इस पे एक दुपट्टा भी ऐड कर सकते हैं, उस पे ये बेल्ट मैंने ऐड करा है, जो कि इस लुक को बहुत ही ज़्यादा फेस्टिव वेयर बना रही है। और सेम दुपट्टा जो फर्स्ट में मैंने आपको दिखाया था, बेल्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसको बैलेंस करने के लिए इसका लाइक कुर्ती पे नेकलाइन पे वाइट वर्क है, और मैंने इस पे गोल्डन वर्क कॉम्बाइन किया, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने जो इयररिंग्स पहने हैं वो सिल्वर एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन है, जो कि बहुत अच्छे से बैलेंस हो रही है। तो मुझे ये लुक बहुत पसंद आई, आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना। और इस तरीके से आप तीनों तरीके से आप स्टाइल कर सकते हैं, तो एक 650 रुपीज़ की कुर्ती को आप देख सकते हैं आप कितने तरीके से वेयर कर सकते हैं। सो मैं इसे 100% रिकमेंड करूँगी, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही गॉर्जियस लुक दे रही है। Got enough of every melody, they all sound the same, yeah. For my broken heart, no remedy,
can get away with it. माई नेक्स्ट आइटम विद दिस पिंक कलर की नी लेंथ कुर्ती है जो कि बहुत ही पार्टी वेयर फेस्टिव वेयर कुर्ती है और इस पर जो नेकलाइन है नेकलाइन पे मैंडरिन कॉलर है बट उस पर वर्क किया हुआ है ये गोल्डन थ्रेड वर्क का जो बहुत ही नीट एंड फाइन वर्क है थ्री क्वार्टर स्लीव्स के साथ है और स्लीव्स पे भी आपको ऐसे डिटेलिंग वाली वर्क मिलेगी गोल्डन पे पाइपिंग भी है जो कि बहुत सुंदर लग रही है साइज स्लेट के साथ है आठ सिल्क मटेरियल है इसका और ये डब्लू ब्रांड से है गाइज और मुझे मिली है ये ओनली 600 रुपीज़ में जो कि मुझे लगता है वर्थ है और इस पर मैंने ये नेकलेस डाला है कलरफुल नी लेंथ कुर्ती है तो इस पर मैंने ये स्कर्ट के साथ पेयर करा जो इंडिया ब्रांड से है और ये स्कर्ट मुझे मिली है 1000 रुपीस में जो इनर लाइनिंग के साथ है ये स्कर्ट फ्लेयर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फ्लेयर है बहुत ही गॉर्जियस स्कर्ट है बहुत ही सुंदर लग रही है और ऐसे 600 की कुर्ती 500 की कुर्ती को एक पूरी फेस्टिव वेयर लुक दे देती है तो ऐसी स्कर्ट आपके वार्डरोब में तो एक मस्ट है गोल्डन पैंट और एक ऐसी स्कर्ट आप ज़रूर रखें और डिफरेंट तरीके से आप स्टाइल कर सकते हैं साइज पे मीडियम है मेरी कुर्ती की जो कि बहुत अच्छी फिटिंग आ रही है लुक भी बहुत अच्छी आ रही है आप चाहे तो उस पर दुपट्टा भी वेयर कर सकते हैं बट मुझे मैंने इस पर दुपट्टा नहीं डाला है कि ये ज्वेलरी डाली है और बस रेडी हो आप किसी भी पार्टी और फेस्टिव को रॉक करने के लिए कंफर्टेबल भी है स्कर्ट पे साइज मेरा इस पर 28 है और काफ़ी कंफर्टेबल कुर्ती भी है बट थोड़ा सा जो मटेरियल है उसका थोड़ा सा रफ काइंड ऑफ आर्ट सिल्क जो मटेरियल होता है वो मटेरियल है बहुत ही लाइट सी थ्रू है बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ट्रांसपेरेंट है तो बिना आप स्लिप के भी वेयर कर सकते हैं तो मैं इसे भी रेकमेंड करूंगी 600 के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी कुर्ती मुझे मिली है जो फेस्टिव के लिए परफेक्ट है माई नेक्स्ट आइटम इन दिस रेड कलर की बहुत ही सुंदर सी टू पीस कुर्ती सेट है ये और इस पर आपको स्लीवलेस कुर्ती मिलेगी जो अंदर से आप पहन सकते हो बाहर से आपको ये थ्री क्वार्टर स्लीव्स वाली एक कुर्ता काइंड ऑफ पूरी लुक वाली मिल रही है तो राउंड नेक के साथ ही पूरी आप देख सकते हैं कि थ्रेड वर्क बनी हुई है बहुत ही गॉर्जियस सी जो बहुत ही नीट एंड फाइन वर्क के साथ है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट ऊपर वाली कुर्ती चंदेरी काइंड ऑफ मटेरियल है इसकी तो मटेरियल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है और इस पर मैंने स्मॉल साइज मंगा लिया तो फिटिंग बहुत अच्छी आ रही है और ये मुझे मिली है 700 रुपीज की जो कि वर्थ है जो कि काफी अच्छी लग रही है फेस्टिव के लिए लाइक 700 रुपीज में आपको फुल पार्टी वेयर ड्रेस मिल जा रही है इनर लाइनिंग जो है वो काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है बहुत ही हल्का मटेरियल है बहुत ज्यादा अच्छे मटेरियल उसका नहीं है बट ये 700 में मिली है तो मैं बहुत ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट करूंगी कि बहुत अच्छी बहुत ही 1200-1500 वाली कुर्ती रिसीव हो लाइक समटाइम्स प्राइस के हिसाब से भी जज करना पड़ता है सो आप इसे एज अ ड्रेस भी वेयर कर सकते हैं बट मैंने यहाँ पे पैंट डाल के आपको दिखाया है एज अ ड्रेस आप इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि साइड से आपको स्लिट नहीं मिल रही है तो बिल्कुल भी साइड से दिखेगी नहीं तो सूज के साथ ये बहुत अच्छी लगेगी किसी सिंपल गेट टुगेदर में बट पैंट के साथ भी आप किसी बर्थडे पार्टी या गेट टुगेदर में वेयर कर सकते हैं इनकेस अगर आप एज अ ड्रेस कंफर्टेबल नहीं है तो बट यहाँ पे मैंने आपको स्टाइल करके स्कर्ट के साथ दिखाया सेम स्कर्ट मैंने वेयर करा और सेम दुपट्टा गोल्डन वाला मैंने डाला है और इसको दुपट्टा और स्कर्ट डालने के साथ ये पूरी दिवाली लुक क्रिएट हो गई है लाइक आप दिवाली में आराम से ऐसी कुर्तीज पहन सकते हैं जो कि बजट पे भी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लग रही है और ये आप अगर चाहें तो अगर आपको बहुत ज्यादा थ्री लेयर्स दिख रही हैं अगर आप चाहें तो जो इनर लाइनिंग है उसे हटाकर भी आप वेयर कर सकते हैं तो उस तरीके से भी मैंने दिखाया लाइक ऊपर की कुर्ती और सिर्फ स्कर्ट के साथ भी बहुत गॉर्जियस लगेगी तो तीन चार तरीके से आप इसे स्टाइल कर सकते हैं इनर लाइनिंग को भी किसी श्रग के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं तो मल्टीपल यूज हो जाती है ऐसी कुर्ती की तो मैं इसे रिकमेंड करूंगी बहुत कंफर्टेबल तो कुर्ती सेट पहनकर मुझे नहीं लगी माइट भी मैं मीडियम लेती तो ज्यादा कंफर्टेबल होती बट लुक वाइज बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है Got enough of every melody, they all sound the same, yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inability.
ओके, सो माई लास्ट आइटम इज दिस ग्रीन कलर की कुर्ती, एंड अगेन आप इसे एज अ शर्ट भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि फ्रंट पे पूरी बटन्स बनी हुई है जो पूरी फुली ओपन होती है, 3/4 स्लीव्स के साथ है। स्लीव्स काफ़ी प्यारी लग रही है और उसकी जो फॉइल प्रिंट है उसकी डिज़ाइन आप देख सकते हैं बहुत ही डिफरेंट लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। और ये है इंडिया ब्रांड से, तो इंडिया ब्रांड की कुर्तीज वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, सो स्लिप का कोई टेंशन नहीं है। और कॉलर नेकलाइन के साथ है ये, और यहाँ पे मुझे ये कुर्ती थोड़ी सी लूज़ हो रही है तो मैंने बेल्ट डाल के आपको दिखाया। सेम बेल्ट मैंने यूज़ करा है, सेम स्कर्ट मैंने यूज़ करा है क्योंकि मैंने बोला था आपको कि स्कर्ट आप बहुत तरीके से बहुत सारी कुर्तीज पे डाल सकते हैं, सो मेन पर्पस यहाँ पे स्कर्ट के साथ डाल के दिखाने का यही है गाइस, कि मैं आपको दिखा सकूँ कि इस एक स्कर्ट को आप कितनी तरह के लुक दे सकते हैं। सो स्कर्ट तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, कुर्ती भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत ही गॉर्जियस है, पार्टीज के लिए परफेक्ट है, दिवाली के लिए परफेक्ट है। और अगर आप चाहें तो आप इस पर बेल्ट हटा सकते हैं, मैं बिना बेल्ट का भी आपको दिखाई, बिना बेल्ट का भी अच्छा लग रहा है, बट आप अगर उस पर गोल्डन पैंट जो मैंने अभी दिखाई वो डालोगे बिना बेल्ट के साथ तो वो भी बहुत गॉर्जियस लगेगी। तो ये भी आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, और अगर आपको कोई सिंपल गेट टुगेदर में जाना है तो आप जीन्स के साथ भी इसे वेयर कर सकते हैं। तो मैं कुर्ती को हाईली रिकमेंड करूंगी, स्कर्ट को भी हाईली रिकमेंड करूंगी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, बहुत कंफर्टेबल है, प्राइस के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी है। Got enough of every melody, they all sound the same. टुडेज वीडियो गाइज, आई होप आज का कुर्ती हॉल आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर मेरे हॉल्स वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो, एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, बाय गाइज।